हेलो फ्रेंड्स, आज हम मनी मार्केट के अंदर करेंगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ट्रेजरी बिल्स, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये ट्रेजरी बिल जो होती है आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, एडहॉक होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं। एडहॉक बिल जो होते हैं आरबीआई को इशू किए जाते हैं। सेकेंड है मनी एट कॉल, जहाँ पे क्या होता है कि वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 1 से 14 दिन के लिए हमें लोन मिल सकता है। फिर मैंने आपको बताया था कमर्शियल बिल्स, जिसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम इसके अंदर करेंगे कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स एंड रैपो इंस्ट्रूमेंट्स। देखो, जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं ये अनसिक्योर प्रमिसरी नोट होते हैं। प्रमिसरी नोट का मतलब होता है जिस बंदे ने पैसे देने होते हैं वो प्रॉमिस करता है, और ये जो कमर्शियल पेपर होते हैं अनसिक्योर होते हैं। ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, इनकी फिक्स मैच्योरिटी होती है, वही कंपनी इशू कर सकती है जो आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड होती है। ये फ्रीली नेगोशिएबल होते हैं बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। इसका यही बेनिफिट होता है कि जो इकोनॉमी है उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। पार्टिसिपेंट जो है ऑल प्राइवेट सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, नॉन बैंकर कंपनी जो है कमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स जो होते हैं इंडिविजुअल्स हो गए, बैंक्स हो गए, कंपनीज हो गई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हो गए। देखो, जो कमर्शियल पेपर है मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको हर बंदा, हर कंपनी जो है कमर्शियल पेपर जो है इशू नहीं कर सकती। ये वही कंपनी इशू कर सकती है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, जिसकी मिनिमम नेटवर्थ जो है 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, मिनिमम करंट रेशो जो है 1.33 या उससे ज़्यादा है, वही कंपनी जो है इशू कर सकती है। कमर्शियल पेपर जो होते हैं 25 लाख के मल्टीपल्स में होते हैं, और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है एक सिंगल इन्वेस्टर की वो 1 करोड़ होनी चाहिए, और जो मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड है 7 डेज़ का है, मैक्सिमम 6 मंथ का है। और जो एग्रीगेट अमाउंट है, जब कोई कंपनी जो है कमर्शियल पेपर इशू करती है तो जितनी भी उसकी फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल होती है उससे ये 20% जो है एक्सीड नहीं होना चाहिए। और कमर्शियल पेपर जो है नेचुरली वही कंपनी इशू कर सकती है जिसका कि फिनांसिंग बैंक्स ने हेल्थ कोड नंबर जो है 1 दिया है। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। देखो, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे हम बैंक्स के पास से FDR कराते हैं, उसी तरह ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होते हैं शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बैंक्स इशू करती हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं। ये भी क्या होता है, प्रमिसरी नोट्स होते हैं, अनसिक्योर होते हैं, और ये भी नेगोशिएबल होते हैं, मार्केटेबल होते हैं। हम फ्रीली, जैसे FDR जो हम फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं वो हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं ये बड़ी आसानी के साथ हम ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जो सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स होते हैं कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं, और जो इनको खरीदते हैं वो इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन, ट्रस्ट, एसोसिएशन, ट्रस्ट एंड नॉन रेजिडेंट्स होते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसके पास भी होता है कि ये टाइम डिपॉजिट उसका है, ये अनसिक्योर होते हैं, इनको बड़ी आसानी के साथ सेल कर सकते हैं, इनको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। इसका भी फिक्स मैच्योरिटी होती है, वहाँ पे ग्रेस पीरियड नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है कि स्टैम्प ड्यूटी जो होती है वो पेबल होती है। और RBI गाइडलाइंस के मुताबिक जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये भी 5 लाख के मल्टीपल के अंदर होने चाहिए। मिनिमम साइज़ अगर एक सिंगल इन्वेस्टर है तो उसका, मतलब जब हमने किसी को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करना है तो मिनिमम 25 लाख का करना है, उसके बाद 25 लाख, 30, 35, ये 5 के मल्टीपल्स के अंदर इशू होंगे। ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड जो है 3 मंथ टू 1 ईयर होता है। ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। जो बैंक्स होते हैं वो कैश रिजर्व रेशो या स्टैचुटरी लिक्विडिटी रिजर्व जो है इशू प्राइस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बेसिस पे मेंटेन कर सकते हैं। RBI को वो डिपॉजिट शो करते हैं, और बट इसके अगेंस्ट वो जो है लोन वगैरह नहीं प्रोवाइड कर सकते। उसी तरह क्या है, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स हैं। ये भी क्या होता है कि इंटर बैंक पार्टिसिपेशन जो होती है, जैसे ये बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही सुविधा दी गई है कि जब उनकी अनइवन फाइनेंशियल क्राइसिस शॉर्ट टर्म के अंदर आता है
तो उससे बाहर निकलने के लिए इंटर बैंक पार्टिसिपेशन जो है सुविधा प्रोवाइड की गई है। ये एक एडिशनल इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये उस टाइम पे दिया जाता है, कई बार क्या होता है कि जैसे जो अलग अलग बैंक्स होते हैं उनकी जो मेच्योरिटी मिक्स ऑफ एसेट होता है, जो इसकी मेच्योरिटी लाइबिलिटीज़ की होती है उनके अंदर इम्बैलेंसेस होता है, तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए इंटर बैंक पार्टिसिपेशन की सुविधा दी गई है। ये जो है एक इसके अंदर पार्टिसिपेशन बैंक होता है इसकी और एक इशूइंग बैंक होता है। यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट है दो पर्पज़ के लिए किया जाता है, एक ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस जिसका पीरियड होता है 91 days to 180 days, विदाउट शेयरिंग जो है उसका टेन्योर जो है 90 डेज का होता है। देखो जो इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं जिनमें रिस्क शेयर किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है कि जो जो इशूइंग बैंक है वो एडवांस आउटस्टैंडिंग के अंदर से पार्टिसिपेशन को माइनस कर देगा और जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है वो शो करेगा कि जो पार्टिसिपेशन है उसकी एडवांसेस का पार्ट है। और अगर विदाउट रिस्क है तो वहाँ पे क्या होएगा कि जो इशूइंग बैंक है वो पार्टिसिपेशन को बोरिंग दिखाएगा और जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है वो उसको एडवांसेस टू बैंक दिखाएगा। इससे क्या बेनिफिट हो जाता है कि नेचुरली यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए एक बैंक जो है जिसके पास सरप्लस फंड्स है, दूसरा बैंक जो है जिसके पास डेफिसिट फंड है उसकी हेल्प हो जाती है, और जिसके पास सरप्लस फंड्स है उसको नेचुरली इनकम भी हो जाती है। उसी तरह रेपो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। रेपो इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है कि जो बॉरोअर है वो जो लेंडर है उसको अपनी सिक्योरिटीज़ देता है, उसके साथ एग्रीमेंट करता है कि वो जो फिक्स पीरियड या स्पेसिफाइड फिक्स पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो वो एक स्पेसिफिक प्राइस पे परचेज़ कर लेगा। जो डिफरेंस होता है उसको वो कॉस्ट ऑफ बोरिंग होती है। एट द एंड ऑफ द पीरियड द बोरोअर विल रीपरचेज द सिक्योरिटी एट द प्री डिटरमिंड प्राइस। और ये रेपो इंस्ट्रूमेंट जो है नेचुरली ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है और ये 3 days मतलब वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रेपो की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और RBI डिटरमिन करती है कि ये कौन सी सिक्योरिटीज़ इसके अंदर बॉरोअर जो है उसने लेंडर को प्रोवाइड करनी है। ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, ट्रेडिबल्स एंड पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स होते हैं। और देखो एक ट्रांजेक्शन को रेपो हम कहते हैं अगर वो सेलर के हिसाब से देखें, और रिवर्स रेपो होती है जब हम बायर के हिसाब से देखें। उसी तरह देखो रेपो रेट्स भी होते हैं, रिवर्स रेपो रेट भी होता है। रेपो रेट का मतलब होता है कि जिस रेट पे RBI जो है बैंक्स को फिनांस प्रोवाइड करता है, प्रेजेंटली ये 6% है। रिवर्स रेपो का मतलब होता है कि जब बैंक जो है RBI को लैंड करते हैं, ये 5.75 है।